The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। महिला की हिम्मत से लूट की बड़ी वारदात होने से बच गई। मामला रेलवे रोड थाना क्षेत्र के जैन नगर में कपड़ा व्यापारी के घर का है, जहां बदमाश पार्सल देने के बहाने घर में घुस गए। बता दें, दो बदमाश मुंह पर मास्क और हेलमेट पहनकर बाइक पर आए थे। बाइक पर मुंह छुपाकर आए दो बदमाश खुद को डिलीवरी बॉय बताते हुए राजीव जैन के घर पर पहुंचे। दोनों बदमाशों में से एक घर के बाहर बैठ गया और एक ही कहते हुए आपका बॉक्स डिलीवर करना है घर में घुस गया। राजीव की पत्नी नीतू जैन ने कहा कि हमने तो कुछ मंगाया ही नहीं है। इतने में ही बदमाश ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसी दौरान जब नीतू जैन दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी तो बदमाशों ने नीतू के सर पर बट से हमला कर दिया। बता दें, महिला पर हमला करने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। नीतू के सर पर 5-6 टाके आए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस कदर महिला के सर को बदमाशों ने छलनी किया हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। देखिए मौके पर मौजूद लोगों से मिली जानकारी। 99C आपका मकान है राजीव भाई का, उसमें दो लोग वो लेके आए एक बॉक्स, क्या आपका बॉक्स है डिलीवर करना है। एक अंदर गया, एक बाहर बैठा रहा। जो अंदर था गया, उसने हेलमेट लगा रखा था, मास्क लगा रखा था। दरवाजा खोलने पर आपने कहा हमने तो कुछ मकाया नहीं है, आप हो कौन, मास्क हटाओ। तब तक उसके अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था और दरवाजे बंद करते हुए या तो इनकी नजर पड़ गई या इनको डाउट हुआ तो ये दरवाजे की तरफ दौड़े भाभी नीतू भाभी जी, तो उन्होंने इनके ऊपर बट से हमला कर दिया। 5-6 बट इनके सर पे मारी। अभी 4-6 डाके आए हैं और मौके पुलिस आ गई थी, पुलिस अपने आप आगे कार्रवाई कर रही है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।